आदाब। इस वीडियो में हम ज़ू आबादी और से आबादी की शक्लों से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, NCERT ने हर मजमून के सीखने के लिए बुनियादी मौजूआत तजवीज़ की हैं। ज़ू आबादी और सह आबादी से मुतालिक सीखने के मौजूआत इस तरह हैं। ज़ू आबादी और सी आबादी शक्लें ये हुनर पर मबनी मजमून हैं, इसलिए हमें हुनर को पेश नज़र रखते हुए इन मौजूआत के ताल्लुक से तदरीस का नक्शा तैयार करना होता है। इन शक्लों से मुतालिक नक्शे को तैयार करना हो तो जियोमेट्री के बुनियादी अज्जा, नुक्ता, खत और मुस्तवी, इन बुनियादी अज्जा के बुनियाद पर हम ज़ू आबादी और सी आबादी शक्लों की वजाहत करते हैं। इसके साथ साथ कुदरती तौर पर कई चीज़ों की अपनी शक्लें होती हैं। इस तरह कुदरत हमें इन शक्लों को देखकर अपने ही अंदाज में बनाने का मौका फराहम करती है। हम असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को कोई भी मजमून रास्त तौर पर ना बताएं, बल्कि मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से मुख्तलिफ हालात और हमारे अतराफ होने वाले हादसात वगैरह को सामने रखते हुए या फिर तुलबा जिन बातों को जानते हैं इनको लेकर रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए काबिल अमल मिसालों को बताने के बाद असल मज़मून की तरफ जाना चाहिए। अगर असातिज़ा इन उसूलों को अपनाएंगे तो तलबा को मौजूआत की वजाहत बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं।